बाइक राइडर चाहिए भाई हमें, जिस तरह मैंने हर बार कहा था कि भाई अर्जेंट में लड़के चाहिए, 20 से 25 लड़के चाहिए अभी प्रेजेंट में। आज की डेट में 3-4 दिन इंटरव्यू चले हैं, तो इनकी मैंने अभी अपनी कंपनी से वीजा दिया था, तो उनकी आईडी आ गई है। और अभी कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? मैं एक्चुअली तकरीबन 11 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, तो 11 घंटे ड्यूटी है तलाबात में, और पर डिलीवरी है 7.5 देना मिलता है। ठीक है, 7.5% के हिसाब से इन्हें पर एड पर डिलीवरी का इनको कमीशन मिल रहा है। 18 डिलीवरी डेली के कर रहे हैं, तो भाई जितने जल्दी हो सके डायरेक्टली आप आके ऑफिस विजिट कर सकते हैं, साथ के साथ आपके डॉक्यूमेंट साइन होंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो भाई ये अभी मैं कंपनी के एकोमोडेशन के सामने आया हूँ, जो हाउसकीपिंग वाले लड़के थे तो उनकी आज शिफ्टिंग है लड़कों की, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो एजेंट्स मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे अपने लड़कों के साथ, तो मैं अंदर दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू। एक बार भाई गिनती करनी शुरू कर देना, थोड़ा सा इधर से करना शुरू, 1-2 करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तुमने बोल दिया था? हाँ जी बोल। टोटल भाई 15 लड़के हैं हाउसकीपिंग वाले, अभी गाड़ी के अंदर है क्योंकि अभी दूसरी गाड़ी उतर रही है, तो फिर इनका नंबर आएगा। सर है हाउसकीपिंग के लिए? यस सर। चलो भाई, ये है भाई लड़के अपने हाउसकीपिंग के लिए, तो जैसे ही ये अभी शिफ्टिंग होती है, पीछे दूसरी गाड़ी अपनी उतर रही है 25 लड़कों की, तो 25 वे 15 ये कंपनी के अंदर एकोमोडेशन में शिफ्ट हो रहे हैं लड़के, और सुबह कुछ लड़कों की ड्यूटी सुबह हो जाएगी, और जिनकी नाइट की है वो अपने वो लड़के अपने वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी नाइट की शिफ्ट है तो वे जा रहे हैं, और ये अपनी बैक साइड में दूसरी गाड़ी खड़ी है, इनकी आज रूम हो जाएगा शिफ्ट। तो दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही लाएंगे। कॉल कम किया करें भाई, जब कॉल काट दूँ तो थोड़ी देर सब्र कर लिया करें, अभी भी लगातार कॉल आ ही रही है। चलो तो दुआ में याद रखिएगा, कुछ नई चीज़ के साथ दोबारा उतरूँगा मैदान। तो भाई एक और धमाका और एक और शानदार चीज़, हर एक बार जिस तरह वीडियो में आता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। तो ये है मेरे जो क्लीनर हैं जिनको मैं लेके आया था, मैं दिखा देता हूँ। अभी कैंप में इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, लड़के सारे के सारे हैं, हाथ हिला दो भाई, सारे के सारे हिला दे, हाथ हिला दे भाई, हाथ। तो ये अपने क्लीनर हैं भाई जिनको कैंप में शिफ्ट करने के लिए लाया हूँ अभी फ़िलहाल में। अभी हायरिंग चल रही है भाई, सब चीज़ जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई वीजे पैसों के लिए काम कर रहा है, वीजे पैसों के लिए काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा जनाब, सब कुछ फ्री है अभी। तो अपने पास कुछ वैकेंसी हैं, मैं इस वीडियो में आराम से बाद में बैठ के ऑफिस में बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ चल रही हैं अपने पास, और सभी को वीज़ा भी मैं दे रहा हूं, और फ्री वीज़ा। अब हंसी आ रही है मेरे को भाई, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, जो मेरे हेटर हैं, जल रहे होंगे, उनको जलन हो रही होगी। चलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्कार अपने रहने वाले भाइयों से, दिल से राम राम। बहुत सी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब भी आऊँगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ और कुछ ना कुछ अच्छा लेके आऊँगा। लोग कह रहे हैं कि विजय भाई पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो अब बात कर देते हैं सीधा उन पॉइंटों की कि जो लोगों को बिना पैसे दिए और बहुत ना के बराबर प्रॉफिट हो। कैसे कि अपने पास कुछ काम है, जो लोग दुबई के अंदर हैं विजिट वीजा पे, जिनके पास 20 दिन भी बच रहे होंगे, कुछ काम ऐसे हैं जिनके पास 10 दिन भी बच रहे होंगे, तो अपने पास काम। अब मैं काउंट करा देता हूँ, एक्चुअली काम बहुत से थे तो लिखने पड़ गए मुझे। कार वॉशिंग के लिए हमें लड़के चाहिए, कार वॉशिंग में थोड़ा काम ज़्यादा होता है, 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है, दिन में 11 बजे से रात को 12-1 बजे तक काम चल रहा होता है, तो उसमें भी हमारे पास जो सैलरी है 1100 से 1200 है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट और प्लस कमीशन भी है। 10 गाड़ी अगर लड़का धोता है तो 10 गाड़ियों के बाद उसको कमीशन मिलेगा पर गाड़ी का। हाउसकीपिंग के लिए हमें लड़के चाहिए, जिसमें अगर लड़के के पास 1 मंथ से थोड़ा कम हो, या भी मतलब 20 दिन से ऊपर हो, ठीक है 20 दिन से ऊपर होना चाहिए हाउसकीपिंग में, लेकिन इंग्लिश आनी जरूरी है क्योंकि 4-5 स्टार होटलों में काम रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश आनी चाहिए। हाउसकीपिंग में सैलरी जो है 1100 है, एकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्ट और मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा, वीज़ा
जैसे बंदा जाएगा प्रोसेस हो जाएगा, 10-15 दिन वीजा में लगते हैं, ठीक है। तीसरा काम क्लीनर। अभी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं एक गाड़ी भर के पूरी ले गया था, और इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा, उसके बाद भी लड़के गए हैं क्लीनिंग में, और अभी प्रेजेंट में हमें 20-25 लड़के और भी चाहिए क्लीनर। बांग्लादेशी भी इसमें चलेंगे क्योंकि अच्छा खासा कोटा है, तो टेंशन नहीं है भाई, कोटा होना चाहिए, काम हो जाएगा। क्लीनर हमें चाहिए जिसमें सैलरी है 1000 से 1200, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा, ठीक है। तीसरी स्किल वर्कर। स्किल वर्कर जो है वो हमें, जिनके पास 2 मंथ से ऊपर का टाइम हो तो वो बंदे चाहिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मतलब जिनको कुछ काम आता हो, जो अपने कारीगर हैं हाथ के, जिनको अपने हाथ का हुनर आता हो, इस तरह के हमें लड़के चाहिए। सैलरी जो रहेगी उनके काम के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली जो फ्रेशर बंदे होते हैं जिन्होंने कभी दुबई का एक्सपीरियंस नहीं लिया, 1200 से स्टार्ट होगा, 1400-1600 तक जाएगा, इलेक्ट्रीशियन की 1800 तक भी जाएगी, 2000 तक भी जाएगी, जिनको ड्राइंग का काम आता है, लेकिन उनके काम के ऊपर डिपेंड है कि किस कैसा काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्किल वर्कर का। दूसरा लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर। 1000 से 1200 सैलरी है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा। तो अब लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, विजय भाई 1000 से 1200 सैलरी, भाई आपको बता दूं पूरी मार्केट में कहीं भी अगर आपको 1400-1500-1600 मिलता है तो भाई मान ना जाए, क्योंकि फेक है। हेल्पर की आप अगर जो यहाँ इस वीडियो को जो पुराने लोग देख रहे होंगे जो दुबई के अंदर काफी टाइम से हैं, तो उनको बता दूं, वो जानते भी होंगे, हेल्पर कैटेगरी की 1000 से 1200 से ऊपर सैलरी नहीं होती, क्योंकि काम भी नहीं आता भाई, फ्रेशर का काउंट होते हैं वो एक तरह से। 1000 से 1200 सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवरटाइम, हेल्पर कैटेगरी की होती है। स्किल वर्कर की 1400-1600-1800 तक चली जाती है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि विजय भाई हमें वाइट कॉलर काम चाहिए, तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाइट कॉलर में कोई भी माई का लाल आपको जॉब नहीं दिला सकता। वाइट कॉलर में ना किसी की सिफारिश चलती है, ना ही कोई अगर आपको ये कहे भाई आजा अकाउंटेंट में तेरा हो जाएगा, कोई नहीं करा सकता। सिंपल सी बात, अगर आपको अकाउंट का काम ही नहीं आता तो कितना भी बड़ा बंदा हो, सिफारिशी हो, उसकी सिफारिश नहीं चलेगी, क्योंकि हर चीज में वाइट कॉलर में भाई काबिलियत चाहिए, बिना काबिलियत के वाइट कॉलर में बिना बातों में किसी के आने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी ये चीज है, क्योंकि सिंपल सी एक चीज दूसरी बता दूं, वाइट कॉलर में क्या है, अब मैं आपको कह दूं भाई अकाउंटेंट में काम दिला दूंगा, अब अकाउंटेंट मैंने बुला लिया तो मैं उसको अकाउंटेंट ही लगाऊंगा, आप किसी और काम में तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक हेल्पर कैटेगरी ऐसी होती है, और ब्लू कॉलर इस तरह की चीज होती है जिसमें बंदा हेल्पर में आ रहा है, चलो आज कार वॉशिंग का काम आया हुआ है, ठीक है, कार वॉशिंग के काम के लिए जब तक वो आएगा तब तक क्या पता काम बचे ना बचे, तो उसी सैलरी में मैं उसको कहीं और एडजस्ट कर सकता हूं ताकि उसका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। लेकिन अकाउंटेंट को मैं सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर नहीं लगा सकता, उसको उसी में लगाना पड़ेगा, तो मैं व्हाइट कॉलर में काम नहीं करता हूं, क्योंकि सिंपल सी कह दूं भाई हमेशा से कहता भी आया हूं, इसमें सिफारिश नहीं चलती, इसमें आपकी काबिलियत चलती है, तो आपको किसी की बातों में भी आना नहीं चाहिए और ना ही आए। सिंपल सी बात, अगर आपको अपनी लाइफ में व्हाइट कॉलर के काम में आपने यहाँ आना है दुबई में, 3 मंथ का खुद से विजिट निकाल लें, टिकट कराएं, रहने खाने का खर्चा ज्यादा नहीं आता है, 700-800 महीने का आएगा, ट्रांसपोर्ट का अपने आपके हाथ में, आए ऑनलाइन अप्लाई करें, कंपनी का रिकॉर्ड निकालें कहाँ कहाँ हायरिंग स्टार्ट है, वहां जाएं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काबिलियत होनी चाहिए, 15 दिन, महीने, 1.5 महीने में हो जाएगा। जितने भी व्हाइट कॉलर के मेरी नजरों में अब तक लोग आए हैं, ज्यादातर सक्सेस हो गए हैं, अच्छे काम पे लगे हैं, लेकिन काबिलियत की वजह से, किसी की सिफारिश की वजह से नहीं। तो किसी से ये पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, 3 मंथ का वीजा लें, टिकट लें, थोड़ा सा खर्चा उठाएं, 2 महीने का अपना मैनेज करके आए, काम हो जाएगा। ये कुछ काम है अपने पास, और कुछ तरह का काम था, रिपीट कर देता हूं, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर की काम अभी स्टार्ट हो जाने वाला है, क्योंकि वेटर भी अब चाहिए, तो जो लोग यहाँ पे हैं जिनको थोड़ा सा जो गुड लुकिंग हो लड़के और थोड़ा सा इंग्लिश आती हो तो वेटर में चल जाएंगे। 1000 से 1200 सैलरी है, 1200 से 1400 तक भी होगी, लेकिन अगर इंग्लिश अच्छी है उसमें भी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल है। रिपीट कर देता हूँ दोबारा सारी की सारी वैकेंसियाँ, कार वॉशिंग, हाउसकीपिंग, क्लीनर, स्किल्ड वर्कर, हेल्पर और लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर, इस तरह के हमें बंदे चाहिए, अर्जेंट में चाहिए। जो लोग यहाँ पे हैं वो डायरेक्टली ऑफिस आए, विजिट करें, ज़्यादा चार्जेस नहीं है भाई, इस बार लूट नहीं मचा रखे, जिस तरह लोग कह देते हैं ना कमेंट करके, जो विजय को नहीं जानते वो बोलते रहे, विजय को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कोई विजय के बारे में क्या सोचता है, विजय को उनसे फर्क पड़ता है जो विजय से कभी फेस टू फेस मिले। विजय को उस चीज के बारे में ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ,
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो दिल खोल के मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी। इस वीडियो में मैं कुछ ऐड भी कर दूंगा जो लोग काम पे गए हैं, लगे हैं, और कुछ वीजा भी। और बाइक राइडर के बारे में बता दूं भाई, अपने जो 30 बैच था, जो 30 लड़कों का बैच था, तो उनकी फाइलें ओपन हो गई हैं, लड़के क्लासेस ले रहे हैं, 10-15 दिन के अंदर उनके लाइसेंस भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में उनके सभी के वीज़ा मैं लाइन से लगा दूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप उन बाइक राइडरों को जो पुराने आए हैं उनको दिखाएं, तो भाई सिंपल सी एक चीज़ छोटी सी बता दूं कि अगर कोई कंपनी वीज़ा निकाल रही है ना और आईडी मंगा रही है, फाइल ओपन करा रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी फाइल लाइसेंस बना के घर में बिठाएगी। और जब मार्केट में लड़के काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको उनकी छुट्टी लगवा के वीडियो में नहीं लाया जाता। हाँ, एक एक करके कभी कभार की कोई आ गया तो उसकी वीडियो दिखा दी, मैंने बहुत सी वीडियो में डाले भी हैं, और शायद एक दो की टिकटॉक की जो वीडियो डाली हुई है मैंने उसमें भी शो कर दूंगा, वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे 10 लोगों के साथ वीडियो बनानी है, तो 10 लड़कों को छुट्टी करवा के मैं ऑफिस बुलाऊं वीडियो के लिए, तो मुझे तालाबाद जैसी कंपनियां कहेंगे कि एक काम कर भाई, वीडियो बनाता रहो, सारे लड़के उठा ले। बहुत से लोगों का धंधा मेरे नाम से चल रहा होगा और बहुत से लोगों का घर यूट्यूब से चल रहा होगा। मेरे पास इस टाइम इतने लड़के मेरे वीजाओं पे हैं, पैकिंग से लेके लोडिंग अनलोडिंग तक और नून के अंदर भी, कि अगर मैं यूट्यूब भी छोड़ दूं तो भी मैं बैठ के खा सकता हूं आराम से और अपने घर भी भेज सकता हूं अच्छा खासा पैसा। बाइक राइडर में भी हायरिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है मैंने। टैक्सी का काम चल ही रहा है, टैक्सी का पैकेज पूरा बताया हुआ है मैंने। अगर किसी को दोबारा कुछ कंफर्म करना हो तो वो मेरी टीम से कंफर्म कर सकता है। टैक्सी में भी हम वीजा दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, प्लस जब तक बंदे का लाइसेंस नहीं बनता तब तक उसको रहना दे रहे हैं, और हर महीने उसको 400 का खाने के लिए पैसा भी मिलेगा, 400 दिरहम हर महीने कंपनी देगी। दूसरी चीज, बाइक राइडर में बाइक राइडर का पैकेज थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आप पूरा मेरी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। और फिलहाल मैं मेरे जिनके पास स्टेटस शो होते होंगे तो उनको बता दूं कि भाई वीज़ा देखते रहा करें, इसी तरह वीज़ा भी आते रहेंगे, इसी तरह लोग काम भी करते रहेंगे और साथ भी चलते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो अपने साथ जुड़े हुए हैं और जो बाइक राइडर काम कर रहे हैं। और जो लोग दुबई के अंदर वीडियो देख रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है, तो उनके लिए बता दूं भाई वीज़ा बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया चार्ज नहीं है। आज भी मैंने 4 बाइक राइडर उठाए हैं मार्केट से जिनके पास लाइसेंस था, वीज़ा प्रोसेस कर दिए हैं, 2-3 दिन के अंदर वीज़ा भी आ जाएंगे। तो जो लोग दुबई के अंदर हैं बाइक राइडर, जिनके पास लाइसेंस है, वीज़ा फ्री है, और इनमें से कुछ वैकेंसियाँ जो मैंने बताई हैं उनमें भी वीज़ा बहुत सो में फ्री है, अब फ्री चलेगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।